Hello students, I am Kuldeep Namdev. I hope you all are enjoying my engineering graphics videos. Now I am back with a new topic, that is hyperbola, and in this topic we will construct hyperbola by eccentricity method. This method is also known as general method. So note down the question. The question is, construct a hyperbola with the distance between the focus and the directrix as 50 mm and eccentricity as 3/2. Also draw normal and tangent to the curve at a point 25 mm from the axis. यानी कि इस क्वेश्चन में हमें हाइपरबोला कंस्ट्रक्ट करना है और डायरेक्ट्रिक्स से लेकर फोकस के बीच की दूरी गिवन है, दैट इज 50 mm, और eccentricity 2/3 दिया हुआ है. यानी कि eccentricity की मदद से पहले इस डिस्टेंस को हमें डिवाइड करना होगा, जैसे कि ए से लेकर फोकस तक की दूरी आपको गिवन है, दैट इज 50 mm. तो वी एफ और ए वी आपको निकालना है ताकि वर्टेक्स को आप मार्क कर सकें. तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि eccentricity क्या दी हुई है, 3/2 गिवन है. इसका फॉर्मूला होता है वी एफ अपॉन ए वी, अपने टर्म्स में जो मैं आपको अभी तो समझाते आया हूँ. तो वी एफ कितना हो गया, ये हो गया 3 यूनिट्स, और ए वी कितना हो गया, ये 2 यूनिट्स. ओके, तो अगर हमें वी एफ निकालना है तो क्या हो जाएगा, इसका कितने यूनिट्स है, 3 यूनिट्स है. ये हो जाएगा न्यूमेटर में, डिनोमेटर में इन दोनों को ऐड करेंगे, 3 + 2 कितना हो गया, 5 हो गया. टोटल डिस्टेंस कितनी थी, 50 थी, यानी कि इससे कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, यानी कि वी एफ हो जाएगा 30 mm. सिमिलरली उस तरीके से ए वी निकालेंगे, ए वी कितनी यूनिट्स थी इसकी, 2 यूनिट्स थी. तो 2 डिवाइड बाय दोनों का सम, दैट इज 5 × 50. तो सॉल्व करने पे कितना आएगा, ये ए वी यानी कि 20 mm के बराबर. यानी कि वी एफ और ए वी हमने निकाल लिया है बाय दिस मेथड. तो हम पहले डायरेक्ट्रिक्स ड्रॉ करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करेंगे, फोकस मार्क करेंगे और वर्टेक्स मार्क करेंगे, क्योंकि ए वी कितनी डिस्टेंस पर है, 20 है, यानी कि डायरेक्ट्रिक्स से 20 mm की दूरी पर वर्टेक्स हम मार्क करने वाले हैं. तो मैं इसको ड्रॉ करना स्टार्ट करता हूँ. यहाँ पे मैं ओके, मैं ड्राफ्टर को एडजस्ट कर लिया बिल्कुल सही तरीके से. आप पहले यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स ड्रॉ करूँगा. तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट्रिक्स ड्रॉ किया, नाम दिया डी डी डैश. यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा एक्सिस, दिस इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस. ओके, इसका नाम दिया मैंने ए और इसका नाम दिया मैंने बी. अब मुझे फोकस मार्क करना है, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स से फोकस के बीच की डिस्टेंस कितनी गिवन थी क्वेश्चन में, 50 mm. तो यहाँ से यहाँ तक मैंने कितना डिस्टेंस लिया, 50 का डिस्टेंस लिया. तो 50 यहाँ मार्क कर दिया मैंने, तो दिस इज़ फोकस. अब वर्टेक्स मार्क करना है, तो मैंने ए से लेकर बी तक की डिस्टेंस कितनी मार्क की थी, यू कैन सी ए वी कितना निकाला, 20 mm. यानी कि वर्टेक्स डायरेक्ट्रिक्स से कितनी डिस्टेंस पर होगा, 20 mm की दूरी पर होगा. यहाँ से मैंने 20 mm पे गया और एक पॉइंट मार्क कर दिया, तो दिस इज पॉइंट वी, दैट इज वर्टेक्स. ओके, अब मुझे क्या करना है, वर्टेक्स से एक लाइन ड्रॉ करनी है वर्टिकल, यानी कि ए वी के परपेंडिकुलर, और वी को सेंटर मानते हुए ई से एक आर्क ड्रॉ करना है. तो ई से मैंने क्या किया, ई से सॉरी एफ से, फोकस से, फोकस से मैंने यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ किया, जहाँ पर ये आर्क इंटरसेक्ट होगा, यू विल गेट दिस पॉइंट एंड नेम दिस एस ई. तो इसको मैंने क्या नाम दिया, ई नाम दिया. अब मुझे क्या करना होगा, इस ई को ज्वाइन करना है ए से. तो मैंने इस ई को ए से ज्वाइन किया और इसे आगे एक्सटेंड कर दिया. ओके, आपको समझ में आ गया होगा, मैंने ई से ए को ज्वाइन किया, उसको एक्सटेंड कर दिया. अब मुझे क्या करना है, इसके बीच में कोई 2 पॉइंट मार्क कर लेता हूँ, इसके आगे मैं कोई 2 पॉइंट और मार्क कर लेता हूँ. ठीक है, तो इसको नाम दे दिया मैंने 1, 2, 3 और 4, इतने पॉइंट्स काफ़ी हैं. अब मुझे क्या करना होगा, इन सारे पॉइंट्स से वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करनी है. तो यहाँ से वी वन से जाऊँगा मैं, एक वर्टिकल लाइन ऊपर और नीचे दोनों तरफ मैंने ड्रॉ की. 2 से ड्रॉ करूँगा, एफ से ड्रॉ करूँगा, ताकि ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है इसको नाम जी दे देता हूँ मैं. तो ए जी लाइन ड्रॉ की है, उस पर ये लाइन आनी चाहिए, इंटरसेक्ट होनी चाहिए, इतनी लेंथ उसकी होनी चाहिए. तो ये फोकस पे ड्रॉ कर लिया मैंने, फोकस के बाद
थ्री से ड्रॉ किया मैंने, थ्री के बाद फाइनली मैंने इसको फोर से ड्रॉ किया। अब समझ गए होंगे मैं किस तरह से इन सारी स्टेप्स को कर रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है, वन बाय वन डिस्टेंस लेना है कॉम्पास से। पहले डिस्टेंस लूँगा मैं, इसको नेमिंग दे देता हूँ मैं, दिस पॉइंट वन से गया है ना ये, तो वन डैश हो गया, ये टू डैश हो गया, ये एफ डैश हो गया, ये थ्री डैश हो गया, और ये वाला हो गया फोर डैश। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ से वन डैश का डिस्टेंस लूँगा। आपको ऑलरेडी पता है जो स्टेप्स अपन ने फॉलो की थी एलिप्स में, वही स्टेप फॉलो करना है, क्योंकि इसेंट्रिसिटी अलग है, इस वजह से ये हाइपरबोला कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। तो वन से वन डैश डिस्टेंस लिया मैंने, फिर क्या किया मैंने, फोकस पे रखा और उसी वन की लाइन को ऊपर और नीचे दोनों तरफ मैंने कट कर दिया। ठीक है, फिर मैंने डिस्टेंस क्या लिया, टू से लेकर टू डैश, फिर मैंने फोकस को सेंटर माना और टू की लाइन को ऊपर और नीचे दोनों तरफ कट कर दिया। फोकस का डिस्टेंस लूँगा, यानी कि आप एफ से एफ डैश लूँगा, ऑलरेडी एफ से एफ डैश, एफ को रख के यहीं काटूँगा तो ये पॉइंट यहीं मिलने वाला है, तो मैं नीचे कट कर देता हूँ। और सेम सीक्वेंस को मैं थ्री और फोर के लिए कर लेता हूँ ताकि वीडियो शॉर्ट हो जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने इन सारे प्रोसीजर को फॉलो करते हुए पी थ्री और पी फोर भी मार्क कर लिए। अब मैंने सबकी नेमिंग भी कर दी है ऊपर और नीचे उसी ऑर्डर में। अब क्या करना होगा मुझे, इन सारे पॉइंट्स को इंक्लूडिंग वर्टेक्स मुझे एक स्मूथ कर्व से ज्वाइन करना है। तो पहले मैं इस पोर्शन को कंप्लीट कर लेता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने इन सारे पॉइंट्स को एक स्मूथ कर्व से ज्वाइन कर लिया। दिस कर्व इज अ हाइपरबोला, इसे डार्क ड्रॉ करना है, और टेंजेंट नॉर्मल को भी ड्रॉ करना है, उनको भी डार्क ड्रॉ करना है। अब बात करते हैं टेंजेंट नॉर्मल की। तो क्वेश्चन में डिस्टेंस क्या दिया था, टेंजेंट नॉर्मल उसको चाहिए कर्व के ऊपर कितने डिस्टेंस पे, 25 mm फ्रॉम द एक्सिस। ओके, 25 mm फ्रॉम द एक्सिस। तो टेंजेंट नॉर्मल के लिए जो डिस्टेंस दी फ्रॉम द, जनरली जो डिस्टेंस होती है डायरेक्ट्रिक्स से दी जाती है, ये डिस्टेंस दी जाती है, मगर इसने प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि ए बी से डिस्टेंस दिया है, तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको, डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस नहीं दिया है। तो डिस्टेंस कितना लेना है, 25 लेना है। तो मैं इस पर जाता हूँ और यहाँ पर 25 पॉइंट मार्क करता हूँ, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ए बी के पैरेलल ड्रॉ कर ले ताकि डिस्टेंस सेम रहे। अब जहाँ पर भी ये कट करेगा, व्हाट इज दिस, दिस पॉइंट इज एम, इसको क्या नाम दिया मैंने, एम नाम दिया। फिर क्या करूँगा, इस एम को मैं एफ से ज्वाइन करूँगा। तो मैंने इस एम को एफ से ज्वाइन किया बाय लाइट लाइन, फिर एफ पे जाऊँगा और एफ से एक लाइन ड्रॉ करूँगा परपेंडिकुलर ऑन एफ एम, यानी कि इस एफ एम पे लाइन ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर। तो ये लाइन ड्रॉ कर ली परपेंडिकुलर, इस पॉइंट का नाम हो गया टी। ओके, आपको विजिबल होगा। अब इस टी से मुझे एम को ज्वाइन करना है, क्या करना है मुझे, इस टी से एम को ज्वाइन कर देना है बाय डार्क लाइन। तो डार्क पेंसिल उठा लेता हूँ यहाँ से मैं, हल्का सा एंगल और चेंज होगा। ओके, अब ठीक है। तो टी से एम को ज्वाइन करते हुए मैंने एक डार्क लाइन कंस्ट्रक्ट कर ली है। तो ये टी पॉइंट था, थोड़ा सा इसको डार्क कर देता हूँ, अब ठीक है। तो ये टी था, तो ये हो जाएगा टी डैश, और इस पे डालूंगा एम पॉइंट। कहाँ पे था एम पॉइंट, मेरा यहाँ पर था। ओके, इसे कंफ्यूज नहीं होना है, बड़ा कर देता हूँ इस पॉइंट को ताकि आपको विजिबल हो जाए। और इस पे ड्रॉ करूँगा मैं परपेंडिकुलर इस टेंजेंट पे, तो ये हो जाएगा नॉर्मल एन और ये एन डैश। ठीक है, ये क्वेश्चन यहीं कंप्लीट होता है। इसमें डायमेंशनिंग बाकी याद रखिएगा, ये डायमेंशन देना है 25 डिस्टेंस यहाँ पे लिया है अपन ने, यहाँ से रुक गया है, सॉरी ए बी से 25 लिया है डिस्टेंस। सेकेंडरी चीज़ है ये ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस 20 है, ए से लेकर एफ तक का डिस्टेंस 50। ये डिस्टेंस आपको लिखना होगा, डायमेंशनिंग इज कंपलसरी, नहीं तो एक दो मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे एग्जाम में। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।